नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 14 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब आसानी से ऑनलाइन बुक करा सकेंगे राजगीर जू सफारी का टिकट। बिहार के सभी जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाएगी सरकार। बिहार से गुजरने वाली 14 और ट्रेनों में लगेंगे LHB कोच। बिहार के बड़ी संख्या में वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। बिहार के रिटायर्ड कर्मियों के लिए अच्छी खबर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब आसानी से ऑनलाइन बुक करा सकेंगे राजगीर जू सफारी का टिकट। 4 महीने बाद शुरू हुई सुविधा। अगर आप ही घूमने का मन बना रहे हैं तो राजगीर आपके लिए एक अच्छा विकल्प होने वाला है। उत्तर भारत के पहले जू सफारी का आनंद लेने के लिए टिकट बुकिंग के लिए अब तक ऑनलाइन विकल्प नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब घर बैठे बैठे टिकट बुकिंग करवाने का विकल्प मिलने वाला है, जिसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर जू सफारी के लिए ऑनलाइन भी टिकट बुक करवा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि उद्घाटन के लगभग 4 महीने बाद ये सुविधा शुरू हो गई है, जिसके तहत ही अब आप भी razgirzoosafari.bihar.gov.in पर जाकर टिकट बुक करवा सकते हैं। अभी तक 1000 की संख्या में ऑफलाइन टिकटिंग किया जा रहा था, अब ऑनलाइन टिकटिंग में 40 की व्यवस्था की गई है। इसके सफल हो जाने के बाद वाइल्ड लाइफ जू सफारी में 100% ऑनलाइन टिकट की सुविधा बहाल कर दी जाएगी। बिहार विधान परिषद के लिए 7 MLC का हुआ निर्विरोध निर्वाचन। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों के लिए सभी उम्मीदवारों का चयन बीते दिन निर्विरोध हो गया है। बीते दिन सभी नवनिर्वाचित 7 MLC को उनके प्रमाण पत्र सौंप दिए गए हैं। उम्मीदवारों के नाम वापसी की अंतिम तारीख भी सोमवार की ही थी, मगर किसी भी उम्मीदवार ने अपने नाम को वापस नहीं लिया, जिसके बाद ही सभी का चयन निर्विरोध हो गया है। सभी 7 उम्मीदवारों को निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया, जिसके तहत ही राजद की तरफ से अशोक कुमार पांडे, मुन्नी रजक और कारी सोहेब, जबकि जदयू के 2 उम्मीदवार आफाक अहमद खान और रविन्द्र प्रसाद सिंह और भाजपा की तरफ से हरी सहनी और अनिल शर्मा का निर्वाचन हुआ है। इन सदस्यों का कार्यकाल 22 जुलाई से अगले 6 साल के लिए मान्य होगा। भारतीय सेना मुख्यालय दक्षिणी कमान सैन्य अस्पताल चेन्नई ने निकाली रिक्तियां। भारतीय सेना मुख्यालय दक्षिणी कमान सैन्य अस्पताल चेन्नई ने ट्रेड्समैन धोबी के कुल मिलाकर 65 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं कक्षा प्रासंगिक ट्रेड में ITI में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 25 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। अब महानगरों में भी मिलेगी जीविका की शाही लीची। जीविका की शाही लीची अब महानगरों में भी मिलने वाली है, क्योंकि लीची रेल सेवा के साथ एयर कार्गो सेवा द्वारा भी देश के विभिन्न हिस्सों में भेजी जा रही है। इसको लेकर कंपनी की तरफ से मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर, बोचहा, मुसहरी आदि प्रखंडों में लीची की मार्केटिंग की जा रही है। इस साल कंपनी की तरफ से अब तक 30 टन से ज्यादा लीची का उत्पादन और बिक्री की जा चुकी है। जीविका की लीची देश के सभी बड़े शहर अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में बिक्री के लिए उपलब्ध है। एयर कार्गो तक ले जाने के लिए फलों का तापमान बनाए रखने के लिए नेचर फ्रेश बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक पटना समेत अन्य राज्यों के लिए 30 टन शाही लीची का उत्पादन जीविका दीदियों की मदद से हो चुका है। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंद हुआ बायोमेट्रिक हाजिरी। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी बीच अब बिहार में कोरोना के वर्तमान माहौल को देखते हुए सरकारी कार्यालय में तत्काल बायोमेट्रिक माध्यम से उपस्थिति नहीं दर्ज कराई जाएगी। इसको लेकर गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में बताया गया है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सभी सरकारी कार्यालयों में अस्थायी रूप से बायोमेट्रिक माध्यम से हाजिरी बनाने की व्यवस्था को रोक दिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में बढ़ रहे कोविड संक्रमण की वजह से सभी सरकारी कार्यालयों को आदेश जारी किया गया है कि अगले 2 सप्ताह तक AEBAS और BBAS के माध्यम से पदाधिकारी और कर्मचारियों को उपस्थिति दर्ज नहीं कराएं। पीएमसीएच से पटना एम्स पहुंचना होगा आसान। बिहार के 2 बड़े अस्पतालों के बीच की दूरी को जल्द ही कम करने के लिए पहल शुरू होने वाली है। लोकनायक गंगा पथ को विभिन्न सड़कों से जोड़ने का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इस पथ के बन जाने के बाद अस्पताल की दूरी महज 20 मिनट में तय होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में पिछले कुछ सालों से सड़क निर्माण में काफी तेजी आई है। नीतीश सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसके बाद ही लिंक रोड पर भी ध्यान देने का काम होगा, जिसके बाद ही अब सरकार का पूरा ध्यान ज्यादा लागत वाली बड़ी सड़क निर्माण परियोजनाओं पर है। ज्ञात हो पटना का मरीन ड्राइव यानी लोकनायक गंगा पथ मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने सुनी इतने लोगों की फरियाद। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 129 लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश में भी उन्होंने कई बातें कही। जून महीने में दूसरे सोमवार को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के
जनता दरबार में हाजिर होकर जन शिकायत सुनते देखे गए। सीएम नीतीश फरियादियों की शिकायत पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे चुके हैं। समाज कल्याण विभाग में सेविका सहायिका बहाली में शिकायत सुन मुख्यमंत्री तल्ख हो गए। तुरंत समाज कल्याण के सचिव को फोन लगाकर कहा कि इस मामले को देखें। इसी दौरान सेविका बहाली में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को फोन लगाकर कहा कि इस मामले में फिर से शिकायत मिल रही है। बिहार के सभी जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाएगी सरकार। बिहार के सभी जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सरकार ने तैयारियों को शुरू कर दिया है। सरकार के हालिया प्रयासों के बाद राज्य में उद्योग स्थापित करने की चाहत रखने वालों की संख्या बढ़ी है। राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का काम लंबे अरसे से नहीं हुआ। जो औद्योगिक क्षेत्र पहले से अधिसूचित किए गए हैं वहां अब नए उद्योग को आवंटित करने के लिए जगह नहीं बची। इस क्रम में सभी जिलाधिकारियों को विभाग ने पत्र लिखा है। इसके तहत न्यूनतम 25 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है। स्कूल टाइमिंग को लेकर जारी हुआ नया आदेश। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों गर्मी की मार देखने को मिल रही है। हालांकि गर्मी के असर के बीच अब 15 जून से सभी स्कूल खोलने वाले हैं, यानी कि बुधवार से बच्चों की गूंज स्कूल परिसर में एक बार फिर से सुनने को मिलने वाली है। जिसको देखते हुए अब पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय को 15 से 30 जून तक सुबह की पाली में संचालित करने का आदेश जारी किया है। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ऐसे में सभी विद्यालय 15 जून से 30 जून तक सुबह के 6:30 से 10:45 तक संचालित किए जाएंगे। पटना के डीईओ ने अपने आदेश में कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्यावहन भोजन छुट्टी के बाद यानी 10:45 पर होगा। वैशाली के बावन पोखर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बावन पोखर के उत्तरी छोर पर बना है पालकालीन बावन पोखर मंदिर। इसमें हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित है। साथ ही इस पोखर के बीच में एक जैन मंदिर भी बना है। इस मंदिर में स्थापित भगवान महावीर की मूर्ति इसी पोखर में खुदाई के दौरान निकली थी। साथ ही बावन पोखर मंदिर में रखी गई हिंदू देवी देवताओं की कई तस्वीरें भी इस पोखर की खुदाई के दौरान बरामद हुई थी। बिहार झारखंड में महिलाओं से ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं पुरुष। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जीती हैं या पुरुष महिलाओं से ज्यादा, ये हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। लेकिन अब बिहार झारखंड में महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के जीने की खबर सामने आई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारतीयों की औसत आयु बढ़कर 69.7 वर्ष हो गई है, जो 10 साल पहले करीब 67 साल थी। वहीं बिहार और झारखंड को लेकर जारी आंकड़ों में कहा गया है कि दोनों राज्यों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आयु अधिक लंबी है। बिहार झारखंड में जहां महिलाओं की औसत आयु 68.8 वर्ष है, वहीं पुरुषों की औसत आयु 70.2 वर्ष है। वहीं शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। 9वीं कक्षा में नामांकन को लेकर चलेगा अभियान। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में नामांकन को लेकर विशेष अभियान चलने वाला है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार के सभी 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं में नामांकन के लिए 1 से 15 जुलाई तक प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जाएगा। 8वीं उत्तीर्ण करने वाले सभी बच्चों का नामांकन 9वीं कक्षा में सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के निर्देश पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने संबंधित विद्यालयों से प्रवेशोत्सव मनाने की तैयारी कराने का आदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दिया है। साथ ही शिक्षक बच्चे को विद्यालय में भेजने के लिए उनके अभिभावक से आग्रह करेंगे, बच्चे को भी प्रेरित करेंगे। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से राज्य के करीब 80,000 विद्यालयों में लागू की गई है। बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक। बिहार में मॉनसून की आखिरकार एंट्री हो गई है। बीते दिन बिहार के कई जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल में भारी बारिश दर्ज की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन बिहार में अब हो गया है, जिसके बाद ही अब मौसम विभाग ने 15 से 17 जून के दौरान राज्य के अन्य जिलों में भी तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। जून 2022 के दौरान तलहटी वाले जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही ये साफ किया है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान बिहार के कुछ और हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल है। बिहार से गुजरने वाली 14 और ट्रेनों में लगेंगे LHB कोच। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से गुजरने वाली 14 ट्रेनों में LHB यानी कि लिंक हाफमैन बुश कोच लगाने का फैसला हुआ है। इतना ही नहीं, LHB कोच लगाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इससे यात्री सुविधाएं तो बढ़ेंगी ही, बल्कि ट्रेनों की रफ्तार भी पहले के मुकाबले ज्यादा तेज हो जाएगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार भागलपुर से प्रस्थान करने वाली या फिर भागलपुर से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लाल रंग वाली LHB कोच लगाने की योजना है। फिलहाल इन ट्रेनों में ब्लू कलर वाले ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लगे हुए हैं। खबर के अनुसार भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, वनांचल एक्सप्रेस, जमालपुर एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस आदि में श्रावणी मेला शुरू होने से पहले LHP कोच लगा दिए जाएंगे।
बिहार में बड़ी संख्या में वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द। लापरवाही और बेखौफ होकर वाहन चलाने वालों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बिना सोचे समझे वाहन चलाने वाले 20 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। गांधी मैदान यातायात थाने की पुलिस ने इस आरोपित चालकों को नाम जिला परिवहन पदाधिकारी के पास भेज दिया है। यातायात पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष गत 4 महीने में पटना में कुल 117 सड़क दुर्घटनाएं हुई। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि लापरवाही सिद्ध होने पर यातायात पुलिस ने इनमें से ही 20 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की संस्तुति जिला परिवहन पदाधिकारी से कर दी है। बिहार हेडमास्टर भर्ती परीक्षा की आंसर की हुई जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीते दिन हेडमास्टर भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी। जिन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी हेडमास्टर परीक्षा में भाग लिया है, वो बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पूछे गए प्रश्नों या फिर उनके उत्तर पर कोई आपत्ति हो तो वो निर्धारित शुल्क के साथ 22 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीपीएससी हेडमास्टर भर्ती परीक्षा का आयोजन 31 मई को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया गया था। इस परीक्षा राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक के 6421 पदों पर भर्ती होगी। बिहार के रिटायर्ड कर्मियों के लिए अच्छी खबर। बिहार के सभी रिटायर्ड कर्मियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार की नई पहल के अनुसार राज्य के सरकारी कर्मचारी पदाधिकारियों को सेवा समाप्त होने के बाद सेवांत लाभ के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने हाल के दिनों में एक समीक्षा में सेवांत लाभ से जुड़े मामलों को समय सीमा से निपटने के आदेश सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को दिए थे। निर्देश के आलोक में अब सभी विभागों के स्तर पर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। आदेश मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक भेज दिए गए, जिसके तहत अब सेवानिवृत्त होने वाले अफसर कर्मी का ब्यौरा विभाग को हर हाल में महीने की 10 तारीख तक भेजना होगा। प्रारूप में 5 वर्ष का ब्यौरा देना होगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शेखर सुमन की। शेखर सुमन एक भारतीय अभिनेता, एंकर, निर्माता, निर्देशक और गायक है। शेखर सुमन ने 4 मई 1983 को अलका सुमन से शादी की और उनका एक बेटा अध्ययन सुमन है जो बॉलीवुड फिल्म अभिनेता है। एक बड़े बेटे आयुष की 11 साल की उम्र में दिल की बीमारी से मौत हो गई थी। सुमन ने रेखा के साथ उत्सव के 7 फिल्मों में शुरुआत की थी। शशि कपूर द्वारा निर्मित और गिरीश कर्नाड द्वारा निर्देशित उन्होंने मानव हत्या, नाची मयूरी, संसार, अनुभव, त्रिदेव, पति परमेश्वर और रणभूमि सहित लगभग 35 फिल्मों में काम किया है। टेलीविजन में उन्होंने किरण जुनेजा के साथ वाह जनाब में अभिनय किया। उनके टेलीविजन करियर में देख भाई देख, रिपोर्टर, कभी इधर कभी उधर, छोटे बाबू, अंदाज, अमर प्रेम, विलायती बाबू, मूवर्स इन शेखर्स, सिंपली शेखर और कैरी ऑन शेखर जैसे शोज भी शामिल है। पटना में डेटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। बिहार की राजधानी पटना के बेल्ट्रॉन ऑफिस में डेटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों पर बीते दिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। दरअसल बेल्ट्रॉन के माध्यम से बिहार में सरकारी कार्यालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन किया जा रहा है। 2019 में हुई परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर बेल्ट्रॉन ऑफिस पहुंचे हुए थे। बेल्ट्रॉन ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया और अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि पटना के बेल्ट्रॉन ऑफिस में डेटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर घंटों हंगामा किया था। 15 जून से पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन होगा बंद। गंगा नदी में जल स्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए पीपा पुल पर वाहनों का परिचालन 15 जून से बंद किया जाएगा। 15 जून के बाद इस पुल का वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना ने दी है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य प्रमंडल पटना एक से मिली सूचना के अनुसार मॉनसून के आगमन और गंगा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी होने की संभावनाओं को देखते हुए पटना एवं वैशाली जिला अंतर्गत गंगा नदी पर कच्ची दरगाह रुस्तमपुर के बीच पीपा पुल और ग्यासपुर काला दियारा के बीच में पीपा पुल और सारण जिला अंतर्गत दानापुर पानापुर के बीच में पीपा पुल पर यातायात परिचालन 15 जून से बंद कर दी जाएगी। इस आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई तय है। मॉनसून सत्र में दो विभागों की अनदेखी। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है, ये 30 जून तक चलेगा। विधानसभा और विधान परिषद के सत्रों में खास ये है कि दोनों में एक एक बड़ा विभाग गायब है, यानी इससे जुड़े सवाल जवाब नहीं हो सकेंगे। विधानसभा में एजेंडे में स्वास्थ्य विभाग नहीं है तो विधान परिषद के एजेंडे में शिक्षा विभाग मॉनसून सत्र में गायब है। विधानसभा और विधान परिषद के सत्रों से खास यह है कि दोनों में से एक एक बड़ा विभाग ही गायब कर दिया गया है, यानी इससे जुड़े सवाल जवाब अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। विधानसभा में एजेंडा में स्वास्थ्य विभाग मिसिंग है और इसी हिसाब से मॉनसून सत्र का आयोजन किया जा रहा है।
नुपुर शर्मा मामले में सीएम नीतीश ने तोड़ी चुप्पी। देश में नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर मुस्लिम संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कई संगठनों की तरफ से नुपुर शर्मा का भी समर्थन किया जा रहा है। इन सबके बीच अब इस मामले को लेकर सीएम नीतीश ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ये बेवजह का बखेड़ा है। जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विवादित बयान दिया, जिसके बाद तत्काल पार्टी ने कार्रवाई की, यहां तक कि उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इस मुद्दे को और बढ़ाने की जरूरत थी। मुख्यमंत्री ने विरोध जताने वालों की हरकत पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा, जब कानून अपना कर रही है तो उसके बाद भी बवाल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जानबूझकर झगड़ा करना ही चाहते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कांग्रेस कार्य समिति ने 1947 भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव स्वीकृति को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के समक्ष रखा। डॉक्टर सीवी रमन को क्रेमलिन में लेनिन शांति पुरस्कार 1958 को प्रदान किया गया। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र ने 2008 में नारायण हिति महल खाली किया। विशाखापट्टनम में 2012 को भारतीय इस्पात संयंत्र में हुए हमले में 11 लोगों की जान गई और 16 घायल हो गए। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के संस्थापक और अध्यक्ष राज ठाकरे का जन्म 1968 में हुआ। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह का जन्म 1595 में हुआ। हिंदी फिल्म अभिनेता एवं दूरदर्शन कलाकार शेखर सुमन का जन्म 1960 में हुआ। रुद्र वीणा वादक असद अली खान का निधन 2011 में हुआ। आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ा। आईसीसी वनडे टीम की नई रैंकिंग जारी हो गई है। इसमें पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को पीछे कर दिया है। पाक टीम ने रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल किया, इससे भारतीय टीम को पांचवा स्थान मिला है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में न्यूजीलैंड की टीम पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। न्यूजीलैंड ने 125 रेटिंग अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि इंग्लैंड की टीम ने 124 अंक और ऑस्ट्रेलिया ने 107 अंक लेकर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान हासिल किए हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एक अंक कम 106 के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि भारतीय टीम 105 अंक लेकर पांचवें नंबर पर है। इंसान की तरह सोच सकता है गूगल का एआई चैटबॉट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण गूगल ने एक इंजीनियर की नौकरी खतरे में डाल दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट टीम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्लेक लोमोइन को सस्पेंड कर दिया। ब्लेक पर आरोप है कि उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर किया। ब्लेक ने सस्पेंशन के बाद गूगल के सर्वर के बारे में अजीब और चौंकाने वाला दावा किया है। ब्लेक ने सार्वजनिक तौर पर यह दावा किया है कि यह एआई चैटबॉट एक इंसान की तरह सोच भी सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सोनी कुमारी, विवेकानंद सिंह, कार्तिक राज, महेश कुमार यादव, सोनाली सिन्हा, विपिन बिहारी, जितेंद्र ठाकुर, अर्पण कुमार, सोनी कुमारी, सुजीत कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मैच को भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।